करेंगे। आपका क्लासमेट है, क्या बात है, जोरदार तालियां। तो एक बार कोटा जानकारी अपने आप में यूट्यूब चैनल चलाता है, क्या बात है। थैंक यू। तो दोस्तों, आपके इंतजार की जो घड़ी आती फ्री कोटा कोचिंग लॉटरी के अनाउंसमेंट की, वो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मोशन के डायरेक्टर सर ने जो है वो फ्री कोटा कोचिंग लॉटरी जो है वो ओपन कर दी है, और उसमें जो है टोटल जो है, आपको बताया था कि हर तीन तरह की कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें कि एक फाउंडेशन वाली कैटेगरी थी, एक जेई वाली थी, एक नीट वाली। तो तीनों में एक 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 बच्चा ऐसा होगा जो कि कोटा में रहकर फ्री ऑफलाइन कोचिंग भी पड़ेगा, साथ में उसको रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी फायदा फ्री में मिलेगा। इसके अलावा 21 बच्चे जो थे तीनों कैटेगरी से जो थे फ्री कोटा कोचिंग का फायदा उठाने वाले थे, और 51 जो बच्चे हैं वो मोशन के ऑनलाइन कोर्स को फ्री में लॉटरी के तहत पढ़ने का मौका जो है प्राप्त करने वाले थे। तो आपको मोशन की फ्री कोटा कोचिंग लॉटरी का जो सेलिब्रेशन था वो दिखाता हूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको कोटा कोचिंग रिगार्डिंग कई तरह के वीडियोस आपके लिए मिलते रहे। और इसके अलावा कोटा में आकर यदि आपको कोचिंग रिगार्डिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग, स्कूल रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोटा जानकारी का गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको इन तीनों प्रॉब्लम को सोल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी कोचिंग रिगार्डिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग और स्कूल रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है, यानी कि एडमिशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोशन में एडमिशन लेने का जो लिंक है, वो भी गूगल फॉर्म जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको दिखाता हूं मैं अब मोशन की फ्री कोचिंग लॉटरी का सेलिब्रेशन। तो फ्री लॉटरी विनर के सभी विजेताओं को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की लॉटरी में जो मैंने फील की है कि वाकई में मतलब बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा एनवी सर को, जो कि वाकई में एजुकेशन के सेक्टर में इतना कुछ बच्चों के लिए सोचते हैं, कोटा के लिए सोचते हैं, और उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं जो वाकई में अपने सपनों की उड़ान को बड़े स्तर पर देखना चाहता है। और आज की वीडियो में बात करें तो मैंने जो लॉटरी में पूरे सेशन को अटेंड किया, और एक चीज़ फील की कि आत्म अनुभूति क्या चीज़ होती है। तो सर के शब्दों को सुना है, सर की अनुभूति को मैंने फील किया है कि किस प्रकार से मतलब जो है यदि हमारे काम से, हमारे किसी काम से एक दो व्यक्ति भी जो है वाकई में उससे मतलब जीवन में कुछ अच्छा फ़ायदा उठा पाते हैं, हमारे काम से किसी के वाकई में दिल को आंतरिक अनुभूति होती है, आंतरिक शांति होती है ना, तो हमारे काम की जो सफलता है ना वो वहीं डिसाइड हो जाती है, हमारे काम का उद्देश्य पूरा हो जाता है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। यदि आपके काम से, हमारे काम से किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी की ज़िंदगी बन रही है ना, किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये सफलता का बहुत बड़ा एक तरह से मान सकते हैं आप स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात, दो चीज़ें मैंने देखी आज। सबसे पहले तो ये था कि जब मेरा जो दोस्त था अमन महावर, जो कि 2014 में मेरे साथ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, वो उस समय का 2014 में स्कूल का टॉपर था, मैं सेकंड टॉपर था, उसके 92% बनी थी, मेरे 87% रही थी, ठीक है। तो उस समय भी वो काफ़ी स्ट्रगल करता था, वो मतलब जो है न्यूज़पेपर वगैरह सुबह सुबह बांटने जाता था साइकिल से, और आज जो है वो एक पोस्टमैन की नौकरी कर रहा है, ठीक है, एक बीकानेर के गांव में वो पोस्टमैन की नौकरी कर रहा है, और काफ़ी स्ट्रगल वाली उसकी लाइफ है। 2000 और शायद मतलब बहुत अच्छा लगा उस समय जब लाइव आया, उसने बताया कि मैं अमन महावर कोटा से हूँ बीकानेर, तो मैं समझ गया कि यार तो वही अपना दोस्ती है। तो मैंने उस टाइम पे स्टेज पे जाकर बोला भी सही कि सर ये मेरा दोस्त है, और फिर बड़ा अच्छा लगा, और बहुत स्ट्रगल आदमी है, और वाकई में बहुत मेहनत करता है वो, और उसके पापा की डेथ हो गई थी जब 9th क्लास में पढ़ा करते थे, तो बहुत, और वाकई में पिता जब चला जाता है ना तो क्या कुछ करना पड़ता है इंसान को, ये मैंने उसके अंदर सबसे पहले देखा था, और बहुत अच्छा लगा उस समय कि यार मेरा जो दोस्त है, मेरा जो क्लासमेट है, वो इतने दिनों बाद, क्योंकि मेरी एज जो है वो लगभग 24 समथिंग है, और वो भी, उसकी भी एज 24 समथिंग है, और वो लगभग उसने बीच में
आर्थिक हालातों से जूझने की वजह से पढ़ाई वगैरह भी छोड़ दी थी, लेकिन हम लोगों की गाइडेंस, हमने थोड़ी जब बीच में बात करी थी 2 साल पहले, तो मैंने उसको बताया कि यार इस टाइप से तू GDS का फॉर्म भर सकता है। तो उस GDS का फॉर्म मैंने भी भरा था, मेरा एक दोस्त था गोरव, उसने भी भरा था और इसने भी भरा था, तो तीनों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन हुआ था, तो ये उसका हुआ था। तो ये अमन मावर है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात जो थी सेकंड नंबर पे जो मैंने सीखी, जो वाकई में इमोशनल पॉइंट थी, अमन मावर का भी सीन मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था, मेरे फ्रेंड का। और जो सबसे लास्ट था, जिसमें जेई नीट के कैटेगरी में एक लड़की का नाम आया था, जिसको कोटा में जो था फ्री ऑफलाइन खाना पीना सब कुछ, मतलब फ्री मोशन देता, तो उसमें डोली नाम की एक लड़की है ना, डोली नाम की एक लड़की थी, उस डोली नाम की लड़की का कॉल आया, लेकिन उसने मना कर दिया कि सर मैं कोटा नहीं आऊँगी। तो उसको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उसके बाद में उस व्यक्ति तक ये कोटा में रहने पढ़ने और खाने की व्यवस्था पहुँची है, जिसको वाकई में नीट थी। वो लड़का था जो वीडियो कॉल पे आया था, उसकी बहन का सिलेक्शन हुआ था, जो खुद डॉक्टर का सपना मतलब लेकर उसने फॉर्म भरा था, तो नीट की प्रिपरेशन करना चाहती थी। तो बहुत इमोशनल पॉइंट था और बहुत इमोशनल सीन था, और क्या बोलूँ यार, एनवी सर आपको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप ऐसे इनिशिएटिव लेके आते हैं जो वाकई में बच्चों तक पहुँचते हैं, आवश्यक लोगों तक पहुँचते हैं, और उन पेरेंट्स की उड़ान को आप मतलब पूरा सहारा देते हैं, पंख लगाते हैं, जिनके उड़ान को बच्चों के रूप में देखते हैं कि यार ये हमारे कुछ नाम करेंगे, हमारे बच्चे कुछ अच्छे करेंगे। और आपने कितना बड़ा उस टाइम पे कमिटमेंट कर दिया कि उसकी बहन तो नीट के लिए करना चाहती, लेकिन उसका भाई जो वीडियो कॉल के समय रोने लग गया था, उसकी आंखों में आंसू थे, तो सब कहा कि आप भी आकर हमारे इमोशन में जो है फ्री पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, मेरा दिल भी यही कहता है कि आप उस लड़की को तो फ्री पढ़ाइए सही, साथ में उसके भाई को भी बुला लीजिए, क्योंकि उसकी आंखों में वो जुनून था, वो जज्बा था, जिसके माध्यम से वो जो है एक बहुत अच्छा मतलब जीवन करियर बना सकता है, मोशन के साथ भी बना सकता है, कोटा के साथ भी बना सकता है, क्योंकि उसने खुद ने बताया कि वो BHU में फॉर्म उसने अप्लाई कर दिया है और वो खुद एक IAS अफसर जो है तो बनना चाहता है। तो थैंक यू सो मच सर, एनवी सर दिल से थैंक यू बहुत बहुत, क्या बोल क्या कुछ बोलूँ। लॉटरी में भले ही मैंने एज ए स्टूडेंट कुछ नहीं मतलब अप्लाई किया हो, लेकिन मैंने बहुत कुछ आज सीखा है, और ऐसे इवेंट होते रहना चाहिए, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो करते हैं ना आप, क्या बोलूँ यार, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वाकई में जीवन में एक आत्मानुभूति क्या होती है, आत्मानुभूति यही होती है यदि आपके कार्य से किसी की सहायता हो जाती है, किसी की हेल्प हो जाती है, कोई अपने बड़े सपने देखने लगता है, बड़े सपने साकार करने की क्षमता पहुंच जाती है, यानी कि अपने कार्य से यदि किसी के जीवन में कुछ बड़ा अनुभव उसको मिल जाता है, तो यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोटा जानकारी का हमारा लिंक भी है, और इसमें आप जो है यदि आपको कोटा में कोचिंग लेने में, हॉस्टल लेने में, स्कूल लेने में कुछ परेशानी आ रही, तो हमारा फॉर्म भरी है कोटा जानकारी का। हमारी टीम अब एक तरह से सिस्टम बनने का लास्ट स्टेज चल रहा है, हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करना शुरू करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एडमिशन ने अनाउंस किया ही है कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया लॉटरी के लिए, उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफर आएगा, तो वो भी आपका आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और हमारे चैनल के थ्रू जिन बच्चों ने लॉटरी के लिए अप्लाई किया थी, उनमें से किसी की लॉटरी निकली है, तो उनके साथ जो है सेपरेट जो है सेशन लाने की कोशिश करेंगे कि उन बच्चों की जो है किस प्रकार की जर्नी रही है लॉटरी के टाइम पे। और मेरा जो दोस्त अमन मावर, उसके साथ भी एक सेशन लेके आऊँगा जो कि काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है, उसकी जर्नी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सपनों की उड़ान दी जा सकती है। और आज भी देखो देख, वो पोस्टमैन की नौकरी कर रहा है, फिर भी वो आज भी तो मोशन में एडमिशन लेने के लिए मोशन के कैंपस में भी आ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोशन में जो है एडमिशन लेने का लिंक आपको मिलेगा, उस पर आप अपने डिटेल वगैरह फिल करके गूगल फॉर्म को भर के मोशन की टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, आपका जो भी एडमिशन प्रोसेस वो आपको बता देगी, जिससे कि आपका मोशन में एडमिशन हो जाएगा, आपका जो भी JEE का सपना है, नीट का सपना है, वो मोशन के साथ में कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।